ओके सो सलार को फाइनली अब देखने के बाद मुझे पता है कि ये लोग अब किस रास्ते पर निकल पड़े हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है ना कि आप लोग सुनना क्या चाहते हो। जानोड और प्रभास की सलार से सबको उम्मीदें थी कि इस बार भाई हमें वो ओजी ओल्ड प्रभास फिर से देखने मिलेंगे, जिनकी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस ने भाई बाहुबली में 4 चांद लगा दिए थे, जो कि ये हुआ। प्रभास का परफॉर्मेंस अनडाउटेडली सलार में बहुत तगड़ा है। बंदा जब जब स्क्रीन पे रहा है तब तब उसने सारी लाइमलाइट खींच ली है। जो ब्रूटल एक्शन कोरियोग्राफी इसमें हमें देखने मिलती है वो भी डेफिनेटली KGF से अच्छी है। मूवी खानसार और उसके इर्द गिर्द चल रही सत्ता की पॉलिटिक्स को बहुत ही ब्रिलियंटली शोकेस करते हुए अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग पे भी ध्यान देती है। ऊपर से प्रशांत नील भाई अब अपने काम में इतना ज्यादा मास्टर बन चुके हैं कि उन्होंने वो मोमेंट्स हाई पॉइंट पर चलने वाला टेंशन अगेन क्रिएट किया है जो हमें KGF चैप्टर 1 में देखने मिला था। लेकिन बात फिर से घुमा फिरा के वही पर आ जाती है कि सलार में हमें जो देखने मिल रहा है वो सब कुछ हमने KGF में पहले से ही देख रखा है। जहाँ डेफिनेटली स्टोरी इस बार अलग है, खानसार बहुत ज्यादा वायलेंट वर्ल्ड है KGF के कंपैरिजन में, जिसमें यहाँ हमें दो दोस्तों की कहानी, एक माँ और बेटे का रिलेशन, खानसार और उसके पीछे की हिस्ट्री, श्रुति हसन जैसे बहुत से छोटे छोटे आर्क देखने मिलते हैं। लेकिन लफड़ा भी यही हो जाता है कि सलार में दिखाने के लिए इनके पास मटेरियल तो बहुत था, लेकिन एक पिक्चर में जो कि पहले से ही ऑलमोस्ट 3 घंटे की है, इसमें इन सारी चीजों की खिचड़ी हो जाती है। ऊपर से मुझे ये पर्सनली फील हुआ कि मूवी में एक तो कोई प्रॉपर एंटागोनिस्ट है ही नहीं, जैसा गरुड़ा KGF 1 में और रश्मिका सेन या अधीरा KGF 2 में था। इन्होंने बहुत सी चीजों को इसके अगले पार्ट पर बस छोड़ दिया है, जिसी की वजह से इसका एंड भी उतना ज्यादा इंपैक्ट छोड़ ही नहीं पाता। और उसके भी ऊपर जहाँ KGF या KGF 2 का म्यूजिक बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग था, वहाँ सलार का म्यूजिक ठीक ही है। आई मीन ऐसा कुछ मेमोरेबल या आइकॉनिक बिल्कुल भी नहीं है जो याद रहे। ऑल इन ऑल सलार मेरे हिसाब से एक वन टाइम वॉच मूवी है, जहाँ बस दिमाग में इतना रख के जाना कि जो तुमने KGF में देखा था वैसा ही कुछ यहाँ भी देखने मिलेगा, ना ज्यादा बुरा ना ज्यादा उससे बेहतर। खैर अगर आपने सलार पहले से देख रखी है तो फिर आपके इसे लेकर के ओपिनियन से कमेंट्स में जरूर शेयर कर देना। वीडियो पसंद आया हो और चैनल पे भी नए आए हो तो फिर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।